हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जून 2022 के एग्जाम्स के लिए अपना बीएजी और इग्नू के जितने भी बीए के ओनर्स के प्रोग्राम है उनके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इग्नू की इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, असाइनमेंट वाली पे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके लिंक पे क्लिक करना, फिर इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। तो जैसे आप इस पेज पे आ जाते हैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो उसमें आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट इस पेज पे आना है तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट अपने लैपटॉप या पीसी में चला रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F की प्रेस करनी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपका सब्जेक्ट कोड आपको मिलेगा कहाँ, ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपके सब्जेक्ट कोड है वो दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कोर्स कोड, ये सब्जेक्ट कोड आप अपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भी देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो ये आपके जो कोड है आपको केयरफुली अच्छे से देख के वहाँ पे एंटर करने हैं। पर याद रखिए, जो इन्होंने इकट्ठा लिख रखा ना, यहाँ पे इसमें स्पेस देना है। इनको ऐसे के ऐसे वहाँ पे पेस्ट नहीं करना, इनको बीच में स्पेस देना लेटर्स और नंबर के बीच में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक कोड, अब मैं उसको सर्च बार में पेस्ट करूंगा। अभी इसमें गैप नहीं है क्योंकि मैंने इसको पेस्ट किया, तो इसमें मैं थोड़ा स्पेस दूंगा। तो देख सकते हैं अभी भी ये यहाँ पे अभी कोर्स शो नहीं हुआ। तो क्या करना है, स्पेस को हटा के मेरे को यहाँ पे डैश लगाना है। तो जैसे ही मैंने इस पे डैश लगाया तो मेरा जो सब्जेक्ट का कोड था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ये डाउनलोड हो चुका है, आप भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो अपने मोबाइल फोन में इसको ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसमें भी क्या करना है, जो आपके यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं ना मोबाइल फोन में, भी आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे। जब उसमें 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज का। आपको सिंपली उसमें यही प्रोसेस फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, वहां से अपने कोड कॉपी करिए या वहां से अपने कोड देख के यहाँ पे इंटर करिए। तो इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड जो शो हो रहे हैं यहाँ पे, उनके सबके आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं और आपको इसमें देख के जो भी क्वेश्चन है आपका आपका असाइनमेंट बनाना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जाते जाते आपको दो बातें बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए कि असाइनमेंट आपको केयरफुली बनाने, क्योंकि इसके नंबर बहुत मैटर करते हैं परसेंटेज बिल्डअप करने के लिए। और दूसरी बात, इग्नू के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।